व्हाट आर यू ईटिंग चीकू? रस रस एंड मिल्क। पिछले हफ्ते मैंने एग्जैक्टली यहीं पे बैठ के अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। एक्चुअली समक्ष की तबीयत ठीक नहीं थी। 3 दिन हो गए हैं समक्ष को स्कूल गए हुए। समक्ष से समथिंग। 4 दिन टिल द फोर्थ डे। 4 दिन हो गए बिकॉज़ फ्राइडे स्ट्रेप थ्रोट। 3 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कल। तो डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट वेस्ट किया। डॉक्टर ने बोला हाँ स्ट्रेप थ्रोट है तो इसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो एमोक्सिसिलिन डॉक्टर ने लिख दी, मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है। लेने के लिए साक्षी गई फार्मेसी पे। वो बोलते हैं हमारे पास बच्चों वाली एमोक्सिसिलिन है ही नहीं। तो साक्षी ने बोला चलो कोई बात नहीं, किसी और फार्मेसी से ले लेती हूँ। तो उसने बोला कि भाई आपको किसी भी फार्मेसी पे मिलेगी नहीं, देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ किड्स एमोक्सिसिलिन। तो कहाँ है? सो इट्स अ नेशन वाइड बैक ऑर्डर। हाँ तो दैट्स व्हाट नेशन वाइड बैक ऑर्डर पे है ये। अरे तो उसके वो बोली कि इसके पास ना सिर्फ कैप्सूल है। मैंने कहा चल ठीक है, ये तो ही इज ओल्ड इनफ कि ले लेगा चल कैप्सूल जैसे तैसे। मैंने कहा व्हाट अबाउट अगर किसी बच्चे को हो जाए और बच्चे को मोक्सी करी है ही नहीं, वी कांट डू एनीथिंग। हां मतलब समझ तो चलो थोड़ा बड़ा है। सो नहीं इसको स्वॉलो करना है। लाइक प्लास्टिक। ओके सो अभी क्या कर रहा है समझ? इसको इसमें और महेंद्र पापा बोथ तो दोनों। हाँ बाकी चीकू और साक्षी अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन स्कूल गया है। हाँ लेकिन समक्ष और मेरी हालत टाइट है। तो बट एनीवेज व्लॉग कंटिन्यू कर रहा था मैं। थोड़ी देर के बाद मेरी भी तबीयत खराब हो गई एंड देन पूरा हफ्ता जो है मैंने बिताया है यहाँ पे सोफे पे। मैं पूरा हफ्ता इस सोफे पे सोया हूँ और मैंने नेटफ्लिक्स पे एक के बाद एक वेब सीरीज निपटाई है। मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी और मैं सोने की भी कोशिश करता था, मैं सर भी इतना दर्द हो रहा था, सो भी नहीं पा रहा था। खांस खांस के आई डोंट नो अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरा गला अभी तक हील नहीं हुआ, अंदर से ऐसे लग रहा है छिला हुआ है अभी तक। तो खांस खांस की बुरी हालत हो गई थी। तो कनाडा में रफली इस टाइम पे सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी। ऑफिशियली सर्दी एंड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होती है, उससे जस्ट पहले फ्लू सीज़न होता है। दवा के हर बंदा बीमार, मतलब बहुत लोग बीमार पड़ते हैं इस टाइम। हॉस्पिटल्स की हर थोड़े दिन में न्यूज़ आती है कि हॉस्पिटल्स आर ओवरलोडेड, कोई तो एक रेस्पिरेटरी और इन्फेक्शन चल रहा है। सो सबका नंबर लगता है, समक्ष का लगा पहले फिर मेरा लगा। अभी तक टच वुड चीकू और साक्षी का नहीं लगा, होपफुली ना ही लगे तो अच्छी बात है। बट हर साल होता है डॉक्टर बोलते हैं कि भैया वैक्सीन लगवा लो वैक्सीन लगवा। इस बार भी हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि भाई वैक्सीन लगवा लो, लेकिन हमने लगवाई नहीं। एनीवेज तो खैर वो ये जो व्लॉग शुरू किया था रिकॉर्ड करना ये तो रिकॉर्ड हुआ नहीं। बट एक और व्लॉग जो इससे पहले का था जो मैंने आपको नहीं एडिट भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि हालत नहीं थी, वो दिमाग लगाने की एक्चुअली वो नहीं थी, बस ये था बस जो टीवी पे बैठे हो लेटे हो और चलता रहे। ऑलराइट लेट्स गो टू दैट व्लॉग। बच्चों का खाना पैक कर रहा हूँ फिलहाल एल्यूमिनियम फॉल में। डू यू रिमेम्बर जब हम छोटे थे ना तो हमारी क्लास में कई बच्चे खाना लेके आते थे एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग इन दिस एल्यूमिनियम फॉइल। या बट लिसन व्हेन वी वर योर एज हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वी कुड गेट दिस। हम कपड़े के पोने में लेके जाते थे। इट यूज्ड टू बी इन दैट क्लोथ। दिस वाज एक्सपेंसिव। नॉट चीप। या एंड देन ओनली पीपल हु नाउ। या ओनली पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ मनी वुड ब्रिंग इट। समझ अपने जिम के क्लोथ्स डाल दिए। Come on. What the heck? Have you ever seen? No. Like that? It's a Canada flag. Yeah, क्योंकि इसके ऊपर वो कोटिंग होती है ना अंदर ताकि धूप ना जाए। पूरा ऊपर जो है, it's all like that. Actually, यहाँ पे ना इतनी धुंध नहीं होती, fog. अपने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, खासकर NCR रीजन में ना बड़ी तगड़ी fog होती थी। मुझे याद है हम लोग बाइक पे जाया करते थे और इतनी dense होती थी fog कि कई बार सड़क सामने नज़र नहीं आती। तो मुझे याद है कि किसी बड़े से ट्रक के पीछे ना बिल्कुल नज़दीक लगा के और बस यही प्रार्थना करते रहते थे कि भैया ट्रक वाला कहीं ब्रेक ना लगा दे यार। बट इट्स सो ब्यूटीफुल, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है फॉग होना। और आज ठंड भी नहीं है ज़्यादा, बहुत हल्की, मतलब वैसे तो 0 degrees है बट हवा नहीं चल रही। या अब 0 degrees ना ऐसे लगने लगे हैं कि कोई ज़्यादा ठंड थोड़ी है, 0 degrees तो है। आज है जी अपन की छुट्टी, अपनी छुट्टी है, बच्चों को पटकना है आज स्कूल। और मैं और साक्षी जो है किसी जाएंगे आज एक रोमांटिक सी डेट पे इस रोमांटिक से मौसम में। ओके गो बाय बाय।
बड़े कंफ्यूजिंग हुआ है माइंड के लिए, धुंध की वजह से नहीं, बट बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के बाद में मैं भागता हूँ क्योंकि मेरी सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है। हाँ, माइंड बड़ा कंफ्यूज है, एक बारी हर एक सेकंड में लगता है भागना है, मीटिंग है, भागना है, मीटिंग है, फिर याद आता है नहीं नहीं यार छुट्टी है, आज तो छुट्टी है। अब एक बंदा यार था यहाँ से वॉक करते हुए, तो यहाँ लोग एक दूसरे को मिलते हैं ना, चाहे जानते हो ना जानते हो, हाय गुड मॉर्निंग, तो कह रहा है बड़ी अच्छी धूप निकली हुई आज, मैं कहा हाँ बेटा बड़ी अच्छी धूप है। Look at this. पूरी फ्रीज हो गई है ये, कोई उड़ गया। बट जो सुकून जो मज़ा ऐसे वॉक पे आके, कोई ना हो अकेले चलते जाओ चलते जाओ, वो किसी चीज़ में नहीं है लाइफ में, सो पीसफुल। मेरा बस चले, मैं घंटों घंटों ऐसे चलता रहूँ। हमारी बहुत कम होता है ऐसे हमारे साथ कि बच्चों की छुट्टी ना हो और हमारी छुट्टी हो, सो हमने कहा इस मौके का फायदा उठाया जाए, फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। फिर से गर्लफ्रेंड, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है अब? ऑफ कोर्स। ऑलराइट, तो हम लोग निकल रहे हैं आज, सोच रहे हैं कि कुछ एक रिलैक्सिंग सा ब्रंच करके, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया वैसे, 12 बज गए, हमने कहा एक बढ़िया सा ब्रंच करके आते हैं। हाँ, क्या क्या ऑप्शन है? एक तो है या तो हम लोग आए हैं डाउनटाउन ओकविल, इट इज अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट कॉल्ड पूर्विदा। मोस्टली मुझे लगता है इस टाइम दोपहर के टाइम मैक्सिमम रिटायर्ड लोग ही होंगे यहाँ पे जिनकी छुट्टी नहीं होगी। वाइब बढ़िया लग रहे हैं, उनकी एम्बियंस एकदम मैक्सिकन और मॉडर्न का मिक्स। जगह जगह पे स्कल रखे हैं, ये हैलोवीन के चक्कर में हां, मुझे लगता है अभी तक हैलोवीन की खत्म नहीं हुई। इनका वैसे भी चल रहा होता है ना, वो होता है डेड, क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल ऑफ डेड। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू, माय नेम इज किम, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ऑल यू कैन एंजॉय टैकोस। ये वाली गुआकामोली बेस्ट है, ऊपर ना सनफ्लावर के सीड्स डाले हुए इन्होंने इसके ऊपर, कुछ तो चीज है इसके ऊपर है ना, यम्मी है, बहुत टेस्टी है। मैं तो सबसे बढ़िया, मैं भी बढ़िया बनाती हूँ, मैं भी बढ़िया बनाती हूँ, क्रंची बनाती हूँ। क्या सूप आ गया और उसने बोला है कि नींबू निचोड़ के ही खाना, सूप पीना सुबह में, बिना नींबू निचोड़ नहीं पीना। यम्मी लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी पी के बताओ कैसा है, मिक्स कर लो। अच्छा क्या हुआ? खट्टी है, इतनी खट्टी है। जब शादी से पहले डेट पे आते थे हमेशा ऐसे डर रहता था कि कोई देख तो नहीं लेगा, वैसी वाली फीलिंग आ रही है, मैं सही बताऊं वैसी क्या दी कि बच्चे तो स्कूल में ऐसा लग रहा है हम अकेले हैं, कोई देख तो नहीं ले हमारे को यहाँ पे, बच्चों का स्कूल से फोन तो नहीं आ जाएगा। हाँ, स्कूल से फोन तो नहीं आ जाएगा, बट वैसे क्या डिफरेंस है? शादी से पहले जब डेट पे जाते थे वो चीप डेट पे जाते थे, पैसे ही नहीं होते थे, पैसे ही नहीं होते थे, तब हम कहा यार 10 रुपए का सैंडविच, 20 रुपए का सैंडविच। सेक्टर 14 की मार्केट जो थी गुड़गांव वाली, वहाँ वो खाते थे फ्रेंकी, और हाँ और वो खाते थे याद है तेरे को, सोया चाप नोएडा में,
क्या बात कर रही है सही में? दिस इज द लास्ट पीस ऑफ द पजल. एक आध बाइट खा लूंगी मैं. कैसा लगा खाना यहाँ का? अभी भी है फॉग यार, तो अभी दिन में भी थोड़ा थोड़ा फॉग है अभी इधर. खाना मतलब ओके था, जो वो था इनके ग्वाकामोले एंड चिप्स, दैट वाज अमेजिंग. टैकोस वाज लाइक बेटर देन गुड, नॉट ग्रेट. मार्गरीटा वाज लाइक नॉट गुड एट ऑल. चुरोस भी ओके थे, मतलब ठीक था. लगे आ सकते थे, मतलब इट्स नॉट. लोग आए अभी यहाँ उकुल में ना, एक हार्बर फ्रंट है, ये सामने लेक है, लेक ओंटारियो. गोना गेट सम कॉफ़ी, फिर चलते हैं लेक शोर पे. थोड़ा धुंध का माहौल है लेक शोर पे, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है. उनकी भी छुट्टी थी आज, सारे वही घूम रहे हैं, इनकी छुट्टियां हैं आज. पर आज दिख कुछ नहीं रहा, देख हर तरफ दिख नहीं रहा, लेकिन ब्यूटीफुल बहुत लग रहा है. चलो जी, बच्चों को लेने का टाइम हो गया, बच्चों को ले गया, फिर कहीं शॉपिंग चलेंगे. फोटो ले रहा हूँ, फोटो. लॉलीपॉप है. ओके, तो ये क्या है? ये अंदर नमक है क्या? ये शुगर को डिप कर अच्छा, लॉलीपॉप के अंदर शुगर की कमी है कि शुगर में डिप करके फिर शुगर को चाटो है? Oh. Man, look. That's like the most unhealthiest. Yeah. You put this on top and screw this on the bottom. क्या क्या चीजें आ गई हैं यार. Super liquor.